दोस्तों क्या चल रहा है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ कमाल चल रहा होगा। और मैं आ गया हूँ वापस अलग अलग तरह की टेक न्यूज अपडेट्स और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके जल्दी, जो कि चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली है। और आज की इस टेक न्यूज में आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स देने वाला हूँ। मैं सुमित डेरा, आप सभी का स्वागत है टेक एरा फॉर यू के एक और नए बेहतरीन एपिसोड में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ठीक इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल रहा है। इसी साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है गूगल क्रोम को लेके, जहाँ पे भी कि जल्दी गूगल आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है गूगल के क्रोम के यूज़र्स के लिए, क्योंकि वो जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सी वेबसाइट स्लो है कौन सी फास्ट है। वहाँ पे कुछ आपको सिंबल्स उसकी तरफ से देखने को मिल जाएगा, यानी कि इंटीमेशन आपको गूगल क्रोम पे देखने को मिल जाएंगे कि ये वेबसाइट रेगुलरली स्लो ही लोड होती है, इसका सर्वर डाउन ही रहता है ऐसा कुछ, या फिर ये वेबसाइट फटाक से खुलती है और ओके है। तो इस तरीके से कुछ आपको अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लेबल्स वगैरह गूगल क्रोम पे शो होना शुरू हो जाएगा जल्दी। अभी शायद से टेस्टिंग वगैरह चल रही है, तो इससे आप जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी वेबसाइट स्लो है कौन सी वेबसाइट फास्ट है। इसके साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सैमसंग का आ सकता है एक और नया 5G फोन आने वाले टाइम पे, जो कि हो सकता है W20 के नाम से, क्योंकि इसके कुछ लीक्स वगैरह इंटरनेट पे देखने को मिले हैं। और यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा या क्वाड कैमरा ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है ऑप्शन, जो कि आजकल आपको सारे फोन्स में देखने को मिलता है। मगर घुमा फिरा के बात यही है कि W20 करके एक फ़ोन हो सकता है सैमसंग की तरफ से लॉन्च आने वाले फ्यूचर में, या फिर जल्दी इसी साल या फिर अगले साल 5G कनेक्टिविटी के साथ। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ऑनर का V30 स्मार्टफोन, जो कि जल्दी हो सकता है लॉन्च नवंबर 26 को, ऐसे ही कुछ अपडेट्स और लीक्स में निकल के आ रहा है। और अब देखते हैं इस फोन में हमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी क्या क्या हमें इसमें देखने को मिलता है। अपडेट की बात करें तो एप्पल भी अपने नए ग्लासेस लॉन्च कर सकता है 2023 यानी 2023 तक कर सकता है, या फिर 2023 के बाद। मगर कुछ लीक्स ऐसे कुछ रूमर्स वगैरह निकल के आ रहे हैं AR VR हेडसेट वगैरह हमें एप्पल की तरफ से देखने को मिल जाए, शायद ये गेमिंग वगैरह में भी थोड़ा यूज़ कर सके अपन, ऐसे कुछ हो। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। खैर अब एप्पल की तरफ से भी हमें एप्पल ग्लासेस के तौर पे कुछ देखने को मिल सकता है, जैसे कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कलर OS 7, जो कि कस्टम UI है ओप्पो का उनके स्मार्टफोन्स के लिए, तो उसका अपडेट कह ले या फिर हम कह ले लॉन्च वगैरह हो सकता है नवंबर 26 को, ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स में निकल के आ रहे हैं। इस तरीके से कुछ इनवाइट्स वगैरह शायद से किसी को रिसीव होने शुरू हो गए होंगे, लोगों को, ब्लॉगर्स को, वीडियो ब्लॉगर्स को, जो कुछ भी है। मगर ऐसा कुछ अपडेट्स निकल के आ रहा है कि नवंबर 26 को हो सकता है कलर OS 7 लॉन्च इंडिया के अंदर। अपडेट की बात करें तो सैमसंग की तरफ से हमें हो सकता है एक और फ़ोन देखने को मिल जाए A51, जहाँ पे कि आपको पंच होल डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल सकता है और क्वाड कैमरा यानी कि क्वाड रियर कैमरा का सेटअप आपको इस फ़ोन में देखने को मिल सकता है। और काफ़ी आजकल स्टाइलिश लुक में आते हैं सैमसंग के भी फ़ोन्स। अगर आप सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपका चाइनीज़ ब्रांड कह ले या फिर इंडियन ब्रांड, आप कौन से फ़ोन ज़्यादा इधर यूज़ करते हैं कौन से ब्रांड, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भूलिएगा कि आज भी आप सैमसंग के ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं कि कोई अदर ब्रांड्स के। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि काफ़ी कमाल की है, क्योंकि आपको पंच होल डिस्प्ले वाला फ़ोन इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा 8,000 रुपये में, उसमें भी एक रुपये कम, यानी कि 7,999 रुपये में आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलने वाला है जल्दी इन्फिनिक्स का S5 लाइट, जो कि जल्दी फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च होगा। अब देखते हैं इसमें हमें और भी क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, मगर अभी की जो रिपोर्ट्स और जो अपडेट्स निकल के आ रही है उसके मुताबिक इस फ़ोन में आपको पंच होल डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है एसस के लैपटॉप को लेके, यानी कि एसस ने अपने कुछ नए ज़ेनबुक सीरीज़ के अंदर कुछ नए लैपटॉप्स वगैरह लॉन्च कर दिए हैं, शायद से 14-inch डिस्प्ले वगैरह के साथ है। इसी के साथ इसमें भी आपको फ्लिपबुक भी देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्लिप स्क्रीन वाला आपको यहाँ पे लैपटॉप देखने को मिल रहा है। वो उसके बारे में आप अगर ज़्यादा एसस की साइट वगैरह पे सर्च करेंगे या गूगल सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो मेन बात बता दूँ, यहाँ पे आपको AMD Ryzen CPU देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है, और Ryzen ने तो वैसे ही धमाल मचा के रखा है, तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं, जो कि अपडेट अभी निकल के आ रही है, इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं एसस की तरफ से कुछ नए ज़ेनबुक।
तो दोस्तों आज की यही कुछ थी टेक न्यूज़ अपडेट्स, रूमर्स और लीक्स वगैरह। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ठीक इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिल्कुल भूलेगा। मैं उसमें डे रहा आपसे जल्दी मिलूंगा ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में। टेक केयर फॉर यू, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।